नमस्कार दोस्तों, वैदिक एस्ट्रो लाइफ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सपने में प्यास देखना। दोस्तों, सपने में प्यास देखना, अगर आपको कोई भी सपना आए तो उसका मतलब जानने की कोशिश करिए, ताकि जो समस्या आने वाली हो उसको आप संभाल सके। सपना हमें पहले से संकेत देना शुरू कर देते हैं, हमें आगाह करते हैं ताकि उस चीज़ से हम बच सकें, ताकि कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटे के बटन पर क्लिक कीजिए, ताकि हमारी वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, ताकि इसमें कही गई बातें आपको अच्छे से और स्पष्ट समझ में आ सके। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे, तो चलते हैं अब वीडियो की ओर। सपने में प्यास देखना। दोस्तों, अगर आप सपने में प्यास देखते हैं तो ये अशुभ संकेत देते हैं। सपने में प्यास देखने का मतलब इस बात का संकेत देता है कि आपको धन हान होने वाली है या फिर हो सकती है। दोस्तों, सपने में प्याज खाना। अगर आप सपने में प्याज खाते हैं तो यह सपना आपके लिए अशुभ होता है। यह सपना आपको इस बात की जानकारी देता है कि आपको कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता है, वो फिर धन से लेकर हो या फिर व्यवसाय से लेकर नुकसान कर सकते हैं, इसलिए आप सभी लोग सतर्क रहें। दोस्तों, सपने में प्याज की खेती देखना। सपने में प्याज की खेती देखने से होता है कि आप अपने किसी काम या फिर कोई बात काम या फिर कोई बात है जो सब लोगों से सलाह लेंगे, जिससे आपको कई तरह के राय मिलेंगी। सब कोई अपने अपने तरह के राय देंगे। दोस्तों, सपने में प्याज को काटना। अगर आप सपने में कटे हुए प्याज को देखते हैं या फिर प्याज को काटते हुए देखते हैं, तो इसका मतलब होता है आप अपने करीबी या फिर अपने किसी रिश्तेदार के बारे में कोई बुरा शब्द नहीं सुन सकते हैं। दोस्तों, सपने में प्याज खरीदना। अगर आप सपने में प्याज खरीदते हुए देखते हैं, तो इसका मतलब शुभ होता है। दोस्तों, आपकी जो भी परेशानियां होंगी वो जल्द ही खत्म होने वाली हैं। दोस्तों, सपने में बहुत सारे प्याज देखना। अगर आप सपने में बहुत सारे प्याज देखते हैं तो ये भी सपना आपको आगाह करता है, ये सपना आपके लिए अशुभ संकेत देते हैं। और अगर आप सपने में बहुत सारी प्याज देखते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानियों को झेलना पड़ सकता है, इसलिए आप सभी लोग पहले से ही सतर्क रहें, ताकि चीज़ों को संभाल सके। दोस्तों, अगर आप सभी को हमारे वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए।